प्रिय मित्र नमस्कार। स्क्रीन पे दो शख्स आपको दिख रहे हैं, इनमें उम्र का अच्छा खासा अंतर है सर, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। तो हमारा ये वीडियो इनकी दोस्ती के नाम है। तो दोस्ती से बढ़ के नेमत कोई दुनिया में होती नहीं है, और जब दोस्ती होती है तो वो कास्ट, क्रीड, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखती है। अभी स्क्रीन पर ही आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में कितने मस्त हैं। इनके विचार तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ही, साथ ही आपसे फिर से या आपको याद दिलाएंगे कि मतलब दोस्ती से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। तो देखिए वो दोनों लोग एक दूसरे के सान्निध्य में कितने शांत मन में हैं। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ। इस समय मैं श्याम नगर में हूँ श्रीमान जी। ये एक छोटा सा चाय का टपरी कहिए या दुकान कहिए, और ये पोस्टर लगा हुआ है, अब आगे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रूट सिम कानपुर में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय मैं श्याम नगर में हूँ, मिस्टर वाजपेयी मेरे साथ में हैं। उनकी खुद की रिक्वेस्ट पे मैं उनके स्टाफ के सामने हूँ। उन्होंने नाम बताया, इसका होम शॉप है और मेरा अक्सर श्याम नगर आना जाना होता है। दुकान तो मैंने इनकी काफ़ी दिन से देख रखी थी, लेकिन इनसे बातचीत करने का सामना मेरा आज हुआ। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं सीधे आपको वाजपेयी जी के पास ले चलता हूँ। वाजपेयी जी नमस्कार। भैया नमस्कार, ये आपकी शॉप ये कब से है? ये हमारी शॉप है 25-30 साल। 25-30 साल से जब श्याम नगर में शायद बहुत कम आबादी हुआ करती थी तब से। तो ये वाजपेयी शॉप के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ये राजन भैया के नाम से जानी जाती है, मेरा छोटा भाई। ये छोटा भाई क्या नाम बेटा? राजन यादव। राजन यादव, तो आप लोगों की जोड़ी जो है बहुत पुरानी है, और ईश्वर चाहेगा तो ऐसे ही बनी रहेगी। और दूसरी देखिए, ये एक श्याम नगर की पहचान है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़्यादातर ये खुली रहती है, लोग आया जाया करते हैं। तो जैसे आपका खुद इच्छा थी कि मैं आपके दुकान में कुछ इंटरव्यू करूँ, तो आपके मन में ये विचार किस तरीके से है? आपके स्वभाव को देख के, आपके तो आपने मेरे सेकंड में मेरा क्या व्यक्तित्व देख लिया? 56 साल की उम्र में मैं आदमी में नजर डाल पहचान लेता हूँ उसका देखता हूँ। ये अच्छी बात है, आप एक पहचान जो भी देखा होगा। मैं तो सोचता हूँ मैं तो साधारण इंसान हूँ, मेरे अंदर एक जैसे लोग अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं नहीं देखिए आपका बड़प्पन कोई भी कंपनी में सबके अंदर होती है। आपका बड़प्पन है जो आप किसी में अच्छाइयाँ देखते हैं। वैसे भी श्रीमान जी, सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, ये देखने वाले की नज़र है कि उसमें से क्या। हमारा और हमारे भाई की जो शॉप है, ये होली और दीपावली का एक एग्जाम्पल है। भाई से संबंध होना यही एक त्यौहार। तो जैसे आपने बताया आपकी जय और वीरू की जोड़ी है, तो बस नज़र में लगे आपकी जोड़ी को, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने चैनल का काम है, मैंने इसीलिए पकड़ा हुआ है कि मुझे इसमें नए लोगों से मिलने का और नए नए विचार जानने का। वो आप लोगों में कोई सिमिलरिटी मुझे नहीं दिखी, लेकिन इसके बावजूद दोस्ती है। बहुत पुराना साथ है, आप उस चीज़ को लेकर प्राउड भी फील करते हैं। तो ये करते हैं तो करते ही है सर। अब उसमें कोई किसी चीज़ को लेके कि अरे यार ऐसा है, कोई उसी चीज़ को लेके ताकत महसूस करता है, आप ताकत महसूस करते हैं, ये भी ताकत महसूस करते हैं मैंने इतनी देर में देखा। तो जैसे आप अपनी इच्छा है कि मैं राजन जी बताए ना, राजन जी से जन सब जानना चाहूँ, तो चूँकि ये अपने को व्यक्त करना चाहते हैं तो मैं राजन जी के इससे मुखातिब होता हूँ। राजन जी क्या हाल चाल है आपके? तो सबसे पहले तो मुझे कोई गलत व्यवहार, गलत चीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सबको हैप्पी होली और मेरे दद्दा अखिलेश जी और ये जय गुरु की मोहम्मद हसन रूमी। नहीं तो जैसे अखिलेश जी है, मोहम्मद हसन रूमी, इनका भी मैंने नाम सुन रखा है, तो कानपुर के ही है। तो इनमें क्या खास बात आ रही है मेरे लोग बताइए? इसलिए आ रही है कि व्यक्ति व्यवहार जो चीज़ है वो करते हैं। मोहम्मद हसन रूमी भी ये तो एडवोकेट है। अरे कुछ नहीं है, इंसान है, बस इंसान से जोड़ लिया।
हम किसी से वो नहीं करते। तो दर्शकों अभी बातचीत तो राजेंद्र से मेरी जारी रहेगी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा टोक रहा हूँ कि कोई भी इंसान आपको दिख रहा होता है, स्क्रीन पे दिख रहा होता है, कहीं भी दिख रहा होता है, आपको सामने आते जाते दिख रहा होता है, तो आप उसके बारे में इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन वो इमेज असलियत से बिल्कुल अलग भी हो सकती है श्रीमान जी। जब आप किसी के टच में जाएंगे तब उसकी अच्छाई या बुराई को जान पाएंगे। टच नहीं जाना चाहते सर, हम टच नहीं, हमको चाहिए जो आदमी काम कर रहा है, जो समझ रहा आदमी उसको। तो राजेंद्र जी मुझे एक चीज बताइए, जैसा आप जो कहना चाहते हैं मैं उसी में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी बढ़िया काम कर रहा है और एक आदमी आपके लिए काम करता है, तो आपकी निगाह में अच्छा कौन हुआ? जो मेरा काम कर रहा है। तो श्रीमान जी, तो ये तो मतलब पक्षपात वाली बात हुई कि मेरा काम कर दिया दूसरे, मतलब मेरा कहने का मतलब गलती हो गई है, जो मेरे समाज में काम कर रहा है सिस्टम में। देखिए बड़ा कठिन सवाल है। बिल्कुल सही मानते हैं आपकी बात। एक चीज़ है, मेरा काम करने का मतलब होगा मेरा काम, हमको चाहिए समाज का काम, वो मेरा जो भाई जी हैं और सब भाई जीओं को। लेकिन कोई ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकली यही होता है, जो मेरा काम कर रहा है दूसरे का काम नहीं कर रहा है वो बढ़िया है। आमतौर पर आदमी इस तरीके से सोचता है, तो आप सोच समझ के बोलिए कि जो सबका काम करता है वो अच्छा है कि जो मेरा व्यक्तिगत काम करता है वो अच्छा है। सबका काम करता है। तो आपके हिसाब से अखिलेश जी में उसमें ये खूबी है, जय गुरुदेव जोड़ी है। तो राजन जी का जो व्यू है वही मेरा व्यू है कि जो मेरे काम आता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीज़ हुई, लेकिन जो सबके काम आता है वो ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ये तो एक सवाल हुआ, और बताइए और आपके क्या विचार, जैसे आगे इलेक्शन आने वाले इसके बारे में, इसमें देखिए कोई मोदी का समर्थक है, कोई गंगा मेला था सुबह, दुकान लगाना चाहिए 1 बजे से, नहीं ये खराब है, जाओ जब का चली गए, लगाना नहीं पड़ा देख रहे हैं। तो आप जैसे भूमि को तो आपने देख लिया, अखिलेश जी की क्या खूबियाँ बताइए, अरे तो बताइए, तो बहुत अच्छी कोई शब्द होता है। ये पहला फल बता रहे हैं, जो जितनी रोडें 5 साल उन्होंने जो किया वो हमें दिखा है, बाकी जो पहले किया वो भी दिखा है, पर पहले हम नहीं थे, पर जो हमारे सामने था वो दिखा। तो ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइन होगी, कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स भी इसी का, समाज का ही हिस्सा है, मानते हैं कि पॉलिटिक्स भी समाज का हिस्सा है, कोई समाज पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है। तो जैसे इस समय होली का मौसम है, आपकी दुकान आपके दोस्त के साथ जो आप करते हैं, तो इसमें इस समय होली का त्यौहार है, इसमें होली कर गया, तो होली का त्यौहार की आपकी जगह में क्या खासियत है? खासियत ये होनी चाहिए किसी घर में या किसी समाज में या कहीं रोड में दुर्घटना या कोई हर आदमी अपनी जिम्मेदारी देख के होली में नशा पत्ती जो भी है वो नहीं करो, बाद में पहले निकल और निकली ना करो। तो होली के मौके पर हमारे भैया चलो भैया, सब लोगों को ये चीज़ को हम बता रहे हैं, भैया अपने घर में होली, सबके घर में होली, और सबसे पहले मास्क हाथ धुल के अपने घर में, किसी के घर में जाना है तो आप पैर हाथ जोड़ दे। तो अब इनकी यहाँ छोटी सी दुकान है, इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी है वाजपेयी जी के साथ में, बहुत पुरानी दोस्ती है जैसा इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने अपने विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं, और इन्होंने मतलब अपनी तरफ से बुला के इस तरीके से होना चाहिए किया। तो इस तरीके से आप देखिए कि समाज में सभी लोग मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं। तो अब ज़्यादा लंबा मैं इस इंटरव्यू को नहीं करता हूं, और आप सबको कानपुर की जो भी खासियत थी, होली मेला केवल कानपुर में ही होता है इंडिया भर में, तो उसके मौके पर ये श्याम नगर में दो इंटरव्यू मैंने किए हैं, ये दोनों आज रात तक या कल सुबह तक प्रसारित हो जाएंगे। थैंक यू साथियों।